इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम उस बीमारी का नाम है जो दरअसल औरतों में ज्यादा कॉमन है और पुरुषों में कम कॉमन है। इस बीमारी में एक तरह का क्रोनिक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोग्रेसिव यूरिनरी ब्लैडर के एरिया में जो हमारे पेट के नीचे वाले हिस्से में होता है वहां एक तरह का दर्द या वहां एक तरह की पीड़ा या वहां एक तरह की जलन और उससे नीचे गुप्तांग के एरिया में और पेशाब के रास्ते में एक तरह की जलन और दर्द जो औरतों में बहुत कॉमनली देखा जाता है ये होता है। ये औरतों में ज्यादा देखा जाता है, मैं ऐसा कहूंगा कि 8 से 9 औरतों में होता है तो शायद एक पुरुष में हो। तो औरतों में इतनी कॉमन है ये बीमारी जो क्रोनिक पेल्विक प्रेशर पेल्विक के एरिया में या एक डिस्कम्फर्ट या एक तरह का पेन या एक तरह की जलन जो वो अपनी भाषा में बता पाती है, इसके साथ साथ यूरिन की प्रॉब्लम। तो क्रोनिक पेल्विक प्रेशर पेन डिस्कम्फर्ट के साथ साथ यूरिन बार बार जाना, यूरिन कंट्रोल न कर पाना और कंट्रोल इसलिए न कर पाना क्योंकि ब्लैडर भरता है तो जलन होती है, पेशाब की जब शंका होती है तो ब्लैडर में दर्द होता है और वो दर्द ऐसा होता है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो एक तरह का वो फ्रीक्वेंसी होना, एक तरह का वो अर्जेंसी होना कि हम यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते और बार बार जाना पड़ता है क्योंकि नीचे के हिस्से में यूरिनरी पैसेज में या पेट के लोअर भाग में जहां यूरिनरी ब्लैडर है वहां पीड़ा या दर्द या एक तरह का वो मीठा दर्द होता है, वो जलन होती है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मुश्किल यह है कि ऐसे औरतों की ट्रीटमेंट दो अलग पहलू पे हुई है, या तो उनको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तरह ट्रीट करते चले गए या उनको हम ओवर एक्टिव ब्लैडर और यूरिनरी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी सिंड्रोम की तरह ट्रीट करते चले गए। रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन में पेशाब के रास्ते में जलन होना, दर्द होना, कभी बुखार भी आ जाना, यूरिन में खून आना, यूरिन कर नहीं पाना और बार बार पेशाब जाना, ये एक एक्यूट ऑनसेट फिनोमेना शुरू हुआ किसी कारण से जिसमें हाइजीन की डिमांड ज्यादा है और कहीं यंग औरतों में या बुजुर्गों में जिनमें हार्मोन की इफेक्ट खत्म हो चुकी है एक यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ और फिर वो इन्फेक्शन उनको बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा सताता है जिसमें जलन, दर्द, बुखार, पेशाब खुल के नहीं आना, बार बार जाना और दवाइयों से एंटीबायोटिक से यूरिन कल्चर के द्वारा हम पहचान करके उन लोगों को ठीक कर लेते हैं। तो एक सिम्प्टोमेटिक और सपोर्टिव थेरेपी के द्वारा एक यूरिनरी इन्फेक्शन ठीक हो जाती है। औरतों में दुर्भाग्यवश यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो सकता है। दूसरा मैंने कहा ये और भी अलग बीमारी से कंफ्यूज करती है जिसको हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर वो है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर ओवर एक्टिव होगी, ब्लैडर एक शैतान बच्चे की तरह बार बार कॉन्टैक्ट कर रही है तो आपकी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, कभी कभी यूरिन इतनी स्ट्रॉन्ग अर्जेंट डिजायर होती है कि आप यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते और फाइनली यूरिन लीक हो जाता है। तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और अर्ज इनकॉन्टिनेंस जिसमें यूरिन लीक हो जाना, रात को बार बार उठना, ये सब ओवर एक्टिव ब्लैडर की शिकायतें हैं। अब अगर दोनों चीज को देखा जाए, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें यूरिन में जलन होना और दूसरा फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी सिंड्रोम ओवर एक्टिव ब्लैडर जिसमें बार बार यूरिन जाना, ये दोनों भी औरतों के लिए कॉमन बीमारी है, ये पुरुषों में इतनी कॉमनली नहीं देखी जाती लेकिन ये सब दोनों जेंडर्स में हो सकते हैं। तो अगर इस तरह की बीमारियों को देखा जाए और इससे जरा हट करके हम देखें उन औरतों के बारे में जिनको इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम है, वो बीमारी जिसमें पेल्विस के लोअर पार्ट में और यूरिनरी पैसेज के रास्ते में इनर थाइस में पेल्विक एरिया में वजाइनल एरिया और रेक्टम एरिया में अगर दर्द हो रही है, जलन हो रही है, पीड़ा हो रही है, आप ये यूरिन के साथ हो रही है, यूरिन के ब्लैडर में भरने के साथ हो रही है, प्रोग्रेसिवली बढ़ती जा रही है, तो ना ही ये यूरिनरी इन्फेक्शन है और ना ही ओवर एक्टिव ब्लैडर है। इसे कहते हैं इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम, जो एक छिपी हुई बीमारी जिसका आपके डॉक्टर भी इसे एक्सक्लूसिव डिजीज इस तरह से खोज काज करके निकालते हैं जिसमें वो बाकी डिजीज को हटाते जाते हैं। तो हमें मालूम है कि ये रेकरेंट यूटीआई नहीं है, हमें मालूम है कि ये ओवर एक्टिव ब्लैडर नहीं है, पर ऐसी औरतों की ट्रीटमेंट बहुत हद तक यूरिनरी इन्फेक्शन के द्वारा ट्रीट की गई है या इनको ओवर एक्टिव ब्लैडर की तरह ट्रीट की गई है, पर ये दरअसल इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस या ब्लैडर पेन सिंड्रोम के मरीज होते हैं। इस बीमारी की मुश्किल क्या है कि ये प्रोग्रेसिव है, लॉन्ग स्टैंडिंग है और ये क्रोनिकली बढ़ता जाता है। एक ऐसा छोटा सा पहलू है जिसमें पेशाब की थैली की जो अंदर की लाइनिंग की इन्फ्लेमेशन है उसके कारण ऐसा ना हो कि ब्लैडर धीरे धीरे श्रिंक हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि औरतों को 30-35-40 साल की उम्र से 60-70 के साल की उम्र में जब हम उनको यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए ट्रीट कर रहे हैं लेकिन हम देखते हैं कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग फिनोमेना, ये क्रोनिकली चल रहा है और एक तरह की पीड़ा, एक तरह की जलन हो रही है जो यूरिनरी पैसेज या यूरिनरी ब्लैडर में, जिसमें युवतियां अपनी ब्लैडर को रोक नहीं सकती बिकॉज अगर यूरिन भरता है तो दर्द होता है, यूरिन भरता है तो जलन होता है और हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, ये दर्द इतनी ज्यादा है कि हमें टॉयलेट जाना ही पड़ेगा और ये फिर इस तरह की एक प्रक्रिया बन जाती है, एक साइकिल बन जाती है जिसमें रात को आपकी नींद खुलती है यूरिन के लिए नहीं पर दर्द के कारण, बिकॉज ब्लैडर भरा तो उसमें दर्द। तो कारण क्या है, कहीं ना कहीं यूरिनरी ब्लैडर में एक तरह की इन्फ्लेमेशन है, एक तरह की मुश्किल है
जिसे हमें ट्रीट करने की जरूरत है। इसे खोजने के लिए पहले तो आप तक पहुंचने की जरूरत होती है, और इस अवेयरनेस ड्राइव के द्वारा जो हम कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के ऑफिस से कह रहे हैं, ये आपको जगाना चाहते हैं कि इस तरह की बीमारी जो औरतों में होती है और बहुत दूर दराज शहरों में और लोकेशन में होती है, आपके यूरोलॉजिस्ट आपके शहर में, जिस शहर में भी आप रहते हैं, केपेबल हैं कि आपको इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम की जैसे डिजीजेस के बारे में अवगत करा सके और इसको ट्रीट कर सके। ये एक एक्यूट ऑनसेट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है, ये एक्यूट ऑनसेट यूरिनरी लीकेज नहीं है, ये किसी युवती में प्रोग्रेसिवली कई महीनों से या कई सालों से चल रहा है और इनकी ट्रीटमेंट बहुत हद तक मिस हो गई। तो हमारा मानना है कि ऐसे लोगों की ट्रीटमेंट के लिए एक बार उनको और उनकी फैमिली को समझने की जरूरत होती है, बिकॉज इसमें जहां तक उनको मुश्किल हो रही है, उनकी फैमिली भी इसमें जूझते जा रही है, उनके पार्टनर्स, उनके बच्चे, उनकी पूरी जो काम धाम की रेखा है और उनके अपना जो काम है, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी घर पे और उनका जो काम है, बहुत हद तक सफर करता है। आज के जमाने में इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम की जांच की अंडरस्टैंडिंग की खोज सोसाइटी में उतनी जल्दी होनी चाहिए जितनी जल्दी हम पकड़ सके। ऑब्वियसली ये बीमारी क्रोनिक है, तो जो पेशेंट सफर कर रहा है वो काफी दिनों से सफर कर रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे अवेयरनेस ड्राइव्स के द्वारा अगर हम सोसाइटी तक पहुंच पाए, उनको जगा पाए कि इस बीमारी की ट्रीटमेंट है, और कहीं ना कहीं ये विशियस साइकिल को हम ब्रेक कर सकते हैं जिसमें आपकी दर्द, पीड़ा, जलन, आपकी बार बार यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और आपका ये बीमारी जो सालों साल प्रोग्रेस करता जा रहा है, जिसकी बिल्कुल पूरी कहानी बदलती जा रही है, अगर हम इसे ट्रीट कर पाए, वहां तक पहुंच पाए, तो बहुत खुशी की बात है। तो ये अवेयरनेस ड्राइव आपके लिए है जो इस शहर में और जो सब शहरों में यूरिनरी इन्फेक्शन या ओवर एक्टिव ब्लैडर की तरह ट्रीट हुए जा रहे हैं, लेकिन क्रोनिकली ये प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है, क्रोनिक प्रेशर, पेन, डिस्कम्फर्ट है जिसको यूटीआई में नहीं होता है, जो उस तरह की डिस्कम्फर्ट है जो यूरिन से रिलेटेड है, जिसका ब्लैडर भरने से आपको दर्द है, यूरिन पास करते वक्त पीड़ा है, यूरिन पास नहीं करते वक्त भी पीड़ा और जलन है, और ये पूरे लोअर एरिया में, गुप्तांग में है, ब्लैडर में है, पूरी पेल्विक एरिया में है, और आप ना बता पाते हैं ना इसकी ट्रीटमेंट पूरी हो पाती है। सो इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम उस तरह की बीमारी है जो आज ट्रीटेबल है, जो आपके डॉक्टर आपको हेल्प करना चाहते हैं। तो आपके यूरोलॉजिस्ट और आपके गायनेकोलॉजिस्ट आज इस बीमारी में बहुत सक्षम है, हम इस बीमारी को उस लेवल तक ले जा चुके हैं आज दुनिया भर में इतनी गवेषणा और इतनी साइंटिफिक डिलीवरेशन के द्वारा कि हम इन डिजीजेस को पकड़ने के लिए उस लेवल तक जाते हैं जहां आपको समझते हैं, आपकी फूड डायरी को समझते हैं कि क्या चीज खाने पीने से ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है, यूरिनरी इन्फेक्शन आपकी प्रॉब्लम को ज्यादा बढ़ाता है जो आपको बार बार इस डिजीज को एग्रेवेट करता है, आपकी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की चेंजेस के साथ क्या पकड़ में आती है, इसके साथ साथ ट्रीटमेंट आप कहां तक ले गए हैं और फिर कहां पहुंचे, और इसकी ट्रीटमेंट के लिए अगर हमें अंदर दूरबीन से देखना पड़े तो वो एक पहलू होता है, हमें अगर और भी बाकी चीजों की इसमें गवेषणा करनी होती है तो वो भी करना पड़ता है। तो जितनी भी औरतें हैं आज इस अवेयरनेस ड्राइव में जो इसको देख रही हैं और जो जान पाती हैं, और जितने भी लोग आप इसके बारे में जान गए आज, उन्हें पता होना चाहिए कि रेकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन अनफॉर्चुनेटली औरतों में होती है, बिकॉज उनके अंग इस तरह से बने हैं कि बैक्टीरिया हर समय यूरिनरी पैसेज के आसपास रहते हैं, उसकी सफाई की डिमांड ज्यादा रहती है, ओवर एक्टिव ब्लैडर इनमें ज्यादा हो जाता है बिकॉज एक तरह की ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी ज्यादा रहती है, कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसको तंग करता है। पर इन दिन दोनों बीमारियों से भिन्न ब्लैडर का भरना और उसमें दर्द, पीड़ा और जलन होना, जलन और पीड़ा प्रोग्रेसिवली बढ़ते जाना, कभी बहुत बढ़ना, कभी बहुत घटना, कुछ खाने के बाद यूरिन में जलन होना जो आपके डॉक्टर भी शायद मानते नहीं है, और इस तरह की प्रॉब्लम अगर प्रोग्रेसिवली हो रही है और आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो शायद आपका इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम की बीमारी तो नहीं। हमें आपके जैसे लोगों का इंतजार रहता है जिनको हम शायद ट्रीट करते करते क्योर तक ले जा सकते हैं, और आपको इसकी जरूरत है। तो आप अपने शहरों में अपने गायनेकोलॉजिस्ट, अपने यूरोलॉजिस्ट को अपनी इस पीड़ा के बारे में समझाएं, उनको बताएं कि आपको असली मुश्किल क्या है, तभी वो सही इन्वेस्टिगेशन, सही टेस्ट और सही दवाइयों की जो देखरेख में आपको ठीक कर पाएंगे और आपको इस डिजीज से मुक्ति दे पाएंगे, इस डिजीज को हॉल्ट कर पाएंगे। इसके नेचुरल हिस्ट्री प्रोग्रेसिव होती है, तो इसे ठीक करने की जरूरत है। धन्यवाद।